सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। आप में से काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने मेरे से बिजनेस लोन्स के बारे में एक पूरी सीरीज बनाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो ये वीडियो भी उसी सीरीज का पार्ट है जिसमें हम अलग अलग बिजनेस लोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली मैं टाइप्स ऑफ बिजनेस लोन्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं कि कितने तरीके के आपके पास लोन्स अवेलेबल हैं। अब अगर आप मान लीजिए बिजनेस करते हैं या फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं, तो नेचुरली हर बिजनेस के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप फंड्स की रिक्वायरमेंट या तो अपने खुद के फंड से पूरा कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टर्स आपके कंपनी के अंदर पैसा डाल सकता है जिसको आप कुछ शेयर्स दे सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप लोन ले सकते हैं बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या कुछ तरीके की क्रेडिट फैसिलिटीज भी होती हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको दे देते हैं। तो अब ये कितने तरीके के लोन और क्रेडिट फैसिलिटीज होते हैं, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज, टर्म लोन्स, वर्किंग कैपिटल लोन्स, इन सारे टाइप्स ऑफ लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो बिजनेस लोन्स कितने तरीके के होते हैं, ब्रॉडली ये दो तरीके के हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, फंड बेस्ड लोन्स और नॉन फंड बेस्ड लोन्स। सबसे पहले हम फंड बेस्ड लोन्स की बात करते हैं। फंड बेस्ड लोन्स बेसिकली वो होते हैं जहां पे आप कभी भी फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं, जितनी भी आपकी सैंक्शनड अमाउंट है। अगर मान लीजिए 50 लाख का आपको अमाउंट सैंक्शन होता है, तो वो 50 लाख का अमाउंट या तो आप अपफ्रंट एक साथ ही ले सकते हैं या फिर अलग अलग पीरियड पे ले सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का लोन आपको सैंक्शन हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि कितने तरीके के फंड बेस्ड लोन्स होते हैं। इसमें सबसे पहला है आपका टर्म लोन्स। अब टर्म लोन्स के बारे में मैं ऑलरेडी एक काफी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, फिर भी हम एक बार समराइज कर देते हैं। टर्म लोन्स बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो आप बेसिकली परचेज करने के लिए या क्रिएट करने के लिए कोई भी एसेट, उसके लिए आपको टर्म लोन मिलता है। अब किस तरीके के एसेट्स होते हैं ये, मान लीजिए आप कोई लैंड खरीदना चाहते हैं, कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री, वेयर हाउस या ऑफिस बिल्डिंग, या फिर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदना चाहते हैं अपने ऑफिस के लिए, कोई इक्विपमेंट्स खरीदना चाहते हैं, तो इन सारे आइटम्स के लिए आपको टर्म लोन मिल जाता है। टर्म लोन जनरली आपको एक साल से लेकर पाँच साल के पीरियड के लिए मिलता है, इसीलिए हम इसको शॉर्ट टर्म लोन्स कहते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म चाहिए कोई लोन, तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करानी होती है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या होती है कि अगर आप मान लीजिए कोई काफ़ी बड़ा लार्ज साइज्ड एसेट अगर कोई क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर लार्ज स्केल प्लांट्स एंड मशीनरी होते हैं, बड़े बड़े स्टील प्लांट हैं, कोल प्लांट हैं, या फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, रोड प्रोजेक्ट्स हैं, पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर ये प्रोजेक्ट कोई फैक्ट्री भी हो सकती है आपकी, मान लीजिए आप कोई बहुत बड़ा सेटअप लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का ये फायदा है कि यह आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाता है लोन। तो जनरली जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होती है वो मोर देन 5 ईयर्स के लिए होती है, और ये आपको आराम से 15 साल, 20 साल, 25 साल तक के लिए भी लोन मिल जाता है। फिर तीसरा आता है हमारा बलून लोन्स। अब बलून लोन्स बेसिकली एक तरीके से टर्म लोन्स ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका प्रिंसिपल पेमेंट होता है वो आपको साथ साथ नहीं करना होता है। टर्म लोन के अंदर तो आपकी बेसिकली ईएमआई बन जाती है, एस्टिमेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, तो आपकी एस्टिमेटेड या इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं, तो आपकी हर महीने फिक्स्ड आएगी इंस्टॉलमेंट जिसमें आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कंपोनेंट दोनों भर रहे होंगे, राइट। अब ये जो पेमेंट है ये आपकी मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, राइट। लेकिन बलून लोन्स के केस में क्या होता है कि आप इंटरेस्ट तो टर्म ऑफ द लोन के दौरान भरते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आप अपफ्रंट लोन ले रहे हैं वो आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लोन भरना होता है। लेट से अगर आपने मान लीजिए 5 साल का कोई लोन लिया, तो आपका जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल आप बेसिकली 5 साल के बाद ही भरेंगे, और इंटरेस्ट रेट आप बेसिकली जितना भी आपका इंटरेस्ट पोर्शन होगा वो 5 साल के दौरान, जैसे अगर ये आपकी टाइमलाइन है तो आप यहाँ पे ये पूरे टाइम ये तो आप इंटरेस्ट भरते रहेंगे और राइट, और एट द एंड आप यहाँ पे बेसिकली अपना प्रिंसिपल एक बार में भरेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये प्रिंसिपल लिख दिया है। फिर इसके अलावा और कौन से होते हैं फंड बेस्ड लोन्स? एक होते हैं आपके वर्किंग कैपिटल लोन्स। अब वर्किंग कैपिटल लोन्स से समझिए, ये बेसिकली इसमें एक होता है आपका कैश क्रेडिट। तो पहले हम समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल आखिर क्या है। देखिए, हर बिजनेस के अंदर एक वर्किंग कैपिटल की साइकिल होती है।
मान लीजिए अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लूँ, तो एक हो गया पहला प्रोसेस कि आप अपना रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, फिर वो रॉ मटेरियल्स बेसिकली आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उनसे, राइट? तो सेकंड प्रोसेस में आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, राइट? तो ये आपका थर्ड प्रोसेस हो गया, फिर आप उसकी सेल्स करेंगे और सेल्स के बाद जाके आपको कुछ पैसा मिलेगा, तो ये आपका चौथा प्रोसेस हो गया। अब इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर हो सकता है आपके 3 महीने लग जाएं, तो ये हो गई बेसिकली 3 महीने की आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो अब 3 महीने के ये जो खर्चे हैं ये आपको अपने पास से उठाने पड़ेंगे, तो कई बार आपको लोन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, हो सकता है वर्किंग कैपिटल चलाने के लिए आपके पास सफिशियंट पैसे ना हो, राइट? तो ऐसे में आपको कैश क्रेडिट मिल जाता है एक तो। अब कैश क्रेडिट क्या होता है, आपकी मान लीजिए जितनी भी इन्वेंट्री है या अकाउंट रिसीवेबल्स हैं उनके अगेंस्ट आपको ये एक तरीके का लोन मिल जाता है, तो आप कैश क्रेडिट से अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। फिर आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल जाती है। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, मान लीजिए आपका एक करंट अकाउंट है जिसके अंदर आप लेट से एवरेज बैलेंस लेट से 2 लाख रुपए का मेंटेन करते हैं पर मंथ का, राइट? तो बैंक कहता है कि आपकी लेट से जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो काफी अच्छी है, बैंक के साथ रिलेशंस काफी आपके काफी अच्छे हैं, तो बैंक कहता है कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप 2 लाख से ज़्यादा के ऊपर भी थोड़ा बहुत अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। लेट से ये आपकी 50,000 की लिमिट बांध देता है, तो ये आपकी जो एक्स्ट्रा लिमिट होती है इसको हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। अब ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ये सिक्योर्ड भी हो सकती है, अनसिक्योर्ड भी हो सकती है। अनसिक्योर्ड होगी तो आपको कम लिमिट मिलेगी, अगर आप इसको सिक्योर कर देते हैं किसी सिक्योरिटी से, लेट से एफडी के अगेंस्ट आपने ये कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली, तो आपका जितना भी एफडी का पीरियड होगा उतने पीरियड के लिए आपको लोन मिल सकता है। लेकिन अगर आप अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हैं तो ये जनरली आपको 1 वीक से लेके 1 मंथ तक, इससे ज्यादा नहीं मिलती है। फिर साथ में यहाँ पे जो हमने कैश क्रेडिट की बात की थी ये आपको बेसिकली लेस देन 1 ईयर के लिए मिल जाती है, तो आपको मैक्सिमम 1 साल तक के लिए ये पीरियड मिलता है। तो ये जनरली आपकी किसी भी तरीके का कोई बिजनेस हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ खाली मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लिया है, ये आपका कोई रिटेल बिजनेस भी हो सकता है, आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस भी हो सकता है, किसी भी और तरीके का एक बिजनेस हो सकता है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे और आपका जो पैसा है वो कुछ टाइम बाद आएगा, राइट? आप क्रेडिट पे भी आपको कई बार माल देना पड़ता है। फिर एक अगर आप मान लीजिए इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, आप किसी भी तरीके की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, तो एक होता है आपका बिल परचेज एंड बिल डिस्काउंटिंग। इसके ऊपर भी मैं काफी डिटेल वीडियो बना चुका हूं। बिल डिस्काउंटिंग में क्या होता है, आपके जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसके ऊपर डिस्काउंट करके इमीडिएटली आपको पैसा दे देता है बैंक। बेसिकली आपका पैसा तो बाद में आने वाला है, तो आपका जो लिक्विडिटी इश्यू है वो बैंक खत्म कर देता है, आपसे अपफ्रंट एक इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है और आपको पैसा दे देता है इमीडिएटली, तो उसे हम बिल डिस्काउंटिंग कहते हैं। सिमिलरली ट्रेडिंग के अंदर एक और तरीके की फंडिंग हो जाती है जिसे हम कहते हैं प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। अगर आप मान लीजिए कोई सामान बेचते हैं, मान लीजिए आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में ट्रेड करते हैं, तो आपने किसी को सामान बेचा तो उसके अंदर प्री शिपमेंट आपके जितने भी खर्चे होते हैं, लेट से आपको वेयर हाउस चाहिए, पैकिंग मटेरियल चाहिए, ये सारे खर्चे निकालने के लिए आपको प्री शिपमेंट फाइनेंस भी मिल जाता है। और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस बेसिकली जब आप शिपमेंट कर देते हैं उसके बाद के अगर आपको खर्चे निकालने हैं, लेट से आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, सैलरीज देनी है किसी की, रेंट देना है, तो वो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस से हो जाता है। ये जनरली बेसिकली जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग में जनरली ये यूज होती हैं, बिल डिस्काउंटिंग और प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। तो ये भी एक तरीके की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लोन्स हैं, जैसे कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू मैनेज योर वर्किंग कैपिटल। चलिए अब हम और देख लेते हैं फंड बेस्ड लोन्स और कितने तरीके के हैं। एक होता है आपका स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आपको अनसिक्योर्ड लोन मिल जाता है, मतलब कोलेटरल फ्री लोन मिल जाता है, आपको किसी तरीके की कोई कोलैटरल नहीं देनी होती है। ये जनरली काफ़ी स्कीम्स चलती रहती हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करते हैं, बैंक्स की भी अलग अलग स्कीम्स चलती रहती हैं। तो ये अब आपको बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए भी लोन मिल जाता है, या फिर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके लिए भी आपको लोन मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की स्कीम है, किसी बैंक की या किसी इंस्टीट्यूशन की। हाँ, इसमें जनरली रिटेल ट्रेड के अंदर अगर कोई बिजनेस है तो उसको लोन नहीं मिलता है, तो ये जनरली मैन्युफैक्चरिंग टाइप के यूनिट्स को काफी आसानी से मिल जाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट की भी काफी स्कीम्स चलती रहती हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चल रही है तो इसके अंडर भी आप लोन ले सकते हैं, ये भी आपको कोलैटरल फ्री लोन मिल जाता है। और इस तरीके की स्टेट गवर्नमेंट की काफी स्कीम्स चलती रहती हैं, तो आप अपने स्टेट में पता कर सकते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट अगर आप खरीदना चाहते हैं, अगर आप मान लीजिए कंस्ट्रक्शन
इंडस्ट्री के अंदर हैं तो आपको डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती होगी, तो आपको कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट खरीदने के लिए भी लोन मिल जाता है। ये जनरली आपको 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए लोन मिलते हैं। सिमिलरली अगर आपको कोई कमर्शियल व्हीकल की रिक्वायरमेंट है तो आपको कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी लोन मिल जाते हैं, और ये भी बेसिकली आपको 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए लोन मिलता है। तो ये तो सारे ट्रेडिशनल बिजनेस लोन्स होते हैं। इसके अलावा भी कुछ लोन्स होते हैं जो आप खाली बिजनेस के लिए ही नहीं, किसी और पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप अपने पर्सनल रीजन के लिए भी ले सकते हैं और बिजनेस रीजन के लिए भी ले सकते हैं। फिर लीज रेंटल डिस्काउंटिंग होता है, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो लीज पे गई हुई है और उस वहां से आपको फिक्स रेंट आता है, तो उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं। गोल्ड लोन ले सकते हैं आप बेसिकली। आप फिर लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई एफडी है, म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, इनको भी एज सिक्योरिटी रख के बैंक आपको लोन दे देता है। आप चाहें तो पर्सनल लोन भी ले सकते हैं, बट हाँ आप ध्यान रखिए कि पर्सनल लोन या फिर अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट रेट हाई होता है, राइट। आपको अनसिक्योर्ड लोन भी मिल सकता है कंपनी की अगर स्ट्रांग बैलेंस शीट है आपकी और आपका क्रेडिट रिकॉर्ड काफी अच्छा है, तो भी आपको अनसिक्योर्ड लोन मिल जाता है। अब देखिए, ये वाले जो मैंने आपको सारे लोन्स बताए हैं, ये तो सिक्योर्ड लोन्स हैं, राइट। तो इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा कम होता है, और ये जो पर्सनल लोन और कोई और अनसिक्योर्ड लोन अगर आप लेते हैं तो अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई होता है, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब ये सारे लोन्स के ऊपर मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस बना चुका हूं, अगर आप इनके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं नॉन फंड बेस्ड बिजनेस लोन्स की। तो नॉन फंड बेस्ड बिजनेस लोन्स के अंदर क्या होता है कि आप फंड्स विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, आपको पैसा नहीं मिलेगा। जितने का भी आपने मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट साइन किया तो वो पैसा आपको नहीं मिलता है। ये एक तरीके की खाली गारंटी होती है बैंक की कि अगर कोई डिफॉल्ट हुआ बोरोवर से, मतलब आपने अगर कोई बैंक गारंटी दी है किसी को, या फिर अगर आपने कोई किसी तरीके का कोई लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है, तो अगर आपकी तरफ से डिफॉल्ट होता है तो बैंक जिम्मेदार होगा वो फंड्स रिलीज करने के लिए। तो ये बेसिकली आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट और दूसरा होता है आपका बैंक गारंटी। अब लेटर ऑफ क्रेडिट जनरली अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर डील करते हैं या फिर डोमेस्टिक ट्रेड में भी कई बार ये यूज होता है, तो जनरली लेटर ऑफ क्रेडिट यूज होता है जब इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, तो बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, वहां पे आपका लेटर ऑफ क्रेडिट यूज होता है। फिर बैंक गारंटी ट्रेडिंग में भी यूज होती है, प्लस ये जितने भी गवर्नमेंट के टेंडर्स निकलते हैं वहां पे आपका बिड बॉन्ड या परफॉर्मेंस बॉन्ड सबमिट होता है, वो बैंक गारंटी की फॉर्म में सबमिट होता है, राइट। तो आपको इमीडिएटली फंड्स नहीं भरने हैं, आप एक बैंक गारंटी दे देते हैं और बैंक भी इमीडिएटली कोई फंड्स रिलीज नहीं कर रहा है, बैंक खाली गारंटी दे रहा है कि अगर आपने डिफॉल्ट किया तो वो पैसा भरेगा आपके बिहाफ पे। और लेटर ऑफ क्रेडिट में भी वही हो रहा है कि आपकी जो पेमेंट है वो लेटर ऑफ वो बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रही है, दैट्स ऑल। तो यहां पे कोई फंड्स रिलीज नहीं हो रहे हैं आपको इमीडिएटली, खाली ये बेसिकली गारंटी है बैंक की कि अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो बैंक रिलीज कर देगा फंड्स। अब लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी के ऊपर भी मैं काफी डिटेल्ड वीडियोस बना चुका हूं, अगर आप चाहें तो मेरे वीडियोस देख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने हर तरीके के लोन के ऊपर जितने भी मैंने यहां पे डिस्कस करे हैं, मैक्सिमम हर लोन के ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियोस बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी लोन के बारे में और डिटेल जानना तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आप कितने तरीके के बिजनेस लोन्स ले सकते हैं, और आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी आई थिंक आप एक लोन लेने में सक्षम होंगे। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में सारे मेजर पॉइंट्स कवर करने की, फिर भी अगर कोई पॉइंट मिसिंग था या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी कोशिश रहती है कि मैं फाइनेंस के आपसे डिटेल वीडियोस शेयर करूं, हर रोज मैं इस तरीके के काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।